नमस्कार, मैं हूं कविता। साल 2014 में भारी बहुमत के साथ सत्ता संभालने वाले पीएम मोदी लगातार देश की तस्वीर बदलने में जुटे हुए हैं। तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के समर्थक रहे पीएम मोदी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जोर शोर से प्रयास में जुटे हुए हैं। तो ऐसी ही एक कोशिश के तहत भारत में पहले विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का आगाज शुक्रवार यानी कि 7 सितंबर को हुआ। नीति आयोग की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में उद्घाटन किया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बेहतर गतिशीलता, अच्छी नौकरियां, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकती हैं। भारत मूव कर रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था भी मूव कर रही है। इस दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हम 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण कर रहे हैं और हम तेजी से सड़कों, हवाई अड्डों, रेल लाइनों और बंदरगाहों का निर्माण कर रहे हैं। भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। I welcome you all to the Global Mobility Summit. Move. The name of this summit captures the spirit of India today. Indeed, India is on the move. Our economy is on the move. We are the world's fastest growing major economy. Our cities and towns are on the move. We are building 100 smart cities. Our infrastructure is on the move. We are building roads, airports, rail lines and ports at a quick pace. Our goods are on the move. The goods and service tax has helped us rationalize supply chains and warehouses networks. Our reforms are on the move. We have made India an easier place to do business. Our lives are on the move. Families are getting homes, toilets, smoke-free LPG cylinders, bank accounts and loans. Our youth are on the move. We are fastest emerging as the startup hub of the world. India is moving ahead with new energy, urgency and purpose. इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों के दूतावासों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक, हीरो साइकिल्स, टाटा मोटर्स, ओला, मारुति, टाटा पावर, होंडा, टोयोटा, बॉश जैसी भारतीय और विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में जुटे थे। देश विदेश से आए इन प्रतिनिधियों के सामने पीएम मोदी ने भारत में मोबिलिटी के भविष्य को लेकर अपना विजन बताते हुए 7C का फॉर्मूला रखा, जिसमें कॉमन यानी आम आदमी, कनेक्टेड यानी जुड़ाव, कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक, कंजेक्शन फ्री यानी बाधा रहित, चार्ज यानी शुल्क, क्लीन यानी साफ और कटिंग एज यानी विकास के नए तरीके शामिल हैं। My vision for the future of mobility in India is based on 7 C's. Common, connected, convenient, congestion free, charge, clean and cutting edge. Common public transport must be the cornerstone of our mobility initiative.
पीएम मोदी ने 7C फॉर्मूले के जरिए सुविधाजनक मोबिलिटी का विजन रखा, जिसमें सभी के लिए सुरक्षा, किफायता और सुलभता हो। साथ ही यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को भी प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। 2 दिनों तक चलने वाले मूव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।